ये ट्रेलर है 2023 की वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल मूवीज से। इसकी कई लोगों ने बहुत तारीफ करी, बहुत अच्छी पिक्चर लगी है, बहुत अच्छी मूवी है सर, फिल्म बहुत शानदार है और सब हिंदू लड़कियों को देखना चाहिए। जिसके बाद कई लोग क्रिटिसाइज करने लग गए केरला को। जो छुपी हुई चीजें उजागर हो रही है उसे तो देखेंगे ही ना, छुपी हुई चीज उजागर। हाँ और क्या, जो दिखाते नहीं लोग, भाई हम केरला में क्या देखने जाएंगे बताओ। मानो केरला अगला कश्मीर बनने जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि केरला एक इस्लामिक स्टेट बनने वाली है और हमें कुछ करना चाहिए कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। दूसरे कहते हैं कि केरला का सच दिखाया गया इस मूवी में। पर जिस दिन ये मूवी रिलीज हुई, एक और मलयालम मूवी रिलीज हुई थी जो बेसिक केरला के 2018 में फ्लड्स के बारे में। अब ये मूवी 100% एक्यूरेट नहीं है, क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है और ये मूवी दिखाती है कि कैसे डिफरेंट लोगों ने 2018 के फ्लड्स में एक दूसरे को मदद करी, चाहे वो मछुआरे हों। मछुआरे इस वक्त पूरे केरला के लिए फरिश्ते के रूप में उतरे हैं। या सोशल मीडिया के नौजवान एडिक्ट्स। सोशल मीडिया जैसे कि टिकटॉक वगैरह में इंटरेस्ट रखने वाले लोग आज सोशल सर्विस वॉलंटियर में आकर मदद कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इन दोनों मूवीज में से कौन सी ज्यादा सच थी, केरला स्टोरी या फिर 2018 एवरीवन इज हीरो। एक साइड में वो एग्जांपल्स जो दिखाते हैं कम्युनल हार्मनी केरला में, चाहे एक मुस्लिम आदमी जो एक मंदिर बना रहा हो। हियर इन कोरिकोड रीजन अ मुस्लिम इब्राहिम हैज बिल्ट मेनी टेंपल्स फॉर हिंदूज। एक क्रिश्चियन प्रीस्ट जो एक इस्लामिक ट्रेडिशनल सॉन्ग गा रहा हो। या फिर ऐसे सीन्स जो दिखाते कि एक मस्जिद और मंदिर का गेट सेम है। पर केरला में कई कम्युनल इंसिडेंट्स भी हुए हैं। द टेंशन बिटवीन हिंदू and Muslims underlined by the CPIM and Muslim League rivalry. पर उधर के लोकल लोग कहते हैं कि केरला दूसरी स्टेट से अलग है, केरला एक ट्रूली सेक्युलर स्टेट है। तो केरला की रियल स्टोरी क्या है, जानते हैं इस वीडियो में। इस ग्राफ को देखिए जो हमें बताता है कि इंडियन स्टेट्स में रिलीजियस कॉम्पोजिशन क्या है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और उड़ीसा जैसी स्टेट्स में आप देख सकते हो कि हिंदूज की मेजॉरिटी है। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में क्रिश्चियंस की, कश्मीर और लक्षद्वीप में मुस्लिम्स की। पर अगर आपको सबसे ज्यादा डिवर्सिटी देखनी हो रिलीजन में, वो आपको केरला में मिलेगी, जहाँ हिंदूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियन का पॉपुलेशन शेयर सिग्निफिकेंट है। केरला के लोग की माने तो ये कम्युनिटीज सैकड़ों साल से एक साथ पीसफुली जी रही है। पर ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए हमें केरला के इतिहास में जाना होगा, करीब 2000 साल पहले। इस मैप को देखिए, ये मैप लिया गया है एक ऐसी बुक से जो लिखी गई थी पहली और तीसरी सेंचुरी के बीच एक अननोन ग्रीक ऑथर ने, जो एक एक्सपीरियंस सेलर होते थे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट स्पेशली केरला से कई ट्रेड रूट्स थे। बेबीलोनिया जो इराक से है, असीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और रोम से कई मर्चेंट्स केरला आते थे कई सदियों से। कुछ सिविलाइजेशंस में केरला को गार्डन ऑफ स्पाइसेस बुलाया जाता था, क्योंकि केरला की कंडीशन बहुत अच्छी थी स्पाइसेस उगाने के लिए। धीरे धीरे ये ट्रेडर्स केरला में सेटल हो गए और इन ट्रेडर्स की वजह से केरला के समाज और कल्चर में एक चेंज आने लगा। अब उस समय जो केरला में हिंदुइज्म का फॉर्म था वो द्रविडियन हिंदुइज्म था, और जो ये ट्रेडर्स आए केरला में उन्होंने क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इंट्रोड्यूस किया। माना जाता है कि क्रिश्चियनिटी केरला में आई 52 AD में, जब सेंट थॉमस केरला आए ट्रेड रूट्स के जरिए। तो क्रिश्चियनिटी केरला में आई करीब 2000 साल पहले और इस्लाम आया करीब 1500 साल पहले, जबकि नॉर्थ इंडिया में सिचुएशन अलग थी। इस्लाम नॉर्थ इंडिया में ट्रेडर्स के जरिए नहीं बल्कि कॉन्क्वेस्ट के जरिए आया 10 और 12वीं सदी के बीच, जबकि क्रिश्चियनिटी फैलने लगी 16 और 17 सदी में, जब कई क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया आए क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए। तो ये रिलीजन जो नॉर्थ इंडिया में आए वो थोड़े रिसेंटली आए हैं, जबकि वैदिक हिंदुइज्म जिसे मॉडर्न हिंदुइज्म आया है वो नॉर्थ इंडिया में कई सदियों से है। माना जाता है 1500 BC से जब नए रिलीजन इंट्रोड्यूस कर जाते हैं ऐसे समाज में, इसी वजह से अडॉप्शन इन रिलीजन का नॉर्थ इंडिया में बहुत डिफरेंट था। जब 19वीं सदी में संस्कृत स्कॉलर मोनियर विलियम्स ने ये बताया कि जब उन्होंने क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी नॉर्थ इंडिया में, तो एक व्यक्ति ने बोला कि हम हिंदूज को कन्वर्जन की जरूरत है ही नहीं, हम क्रिश्चियन से बेहतर हैं। पर केरला में सिचुएशन अलग थी। क्यों? ट्रेड की वजह से केरला के लोग नए आइडियाज और कल्चर से ओपन थे। कई बार लोकल रूलर्स खुद ट्रेडर्स की मदद करते थे क्योंकि उस ट्रेड से उनको फायदा मिलता था। जैसे कहा जाता है कि केरला के कुछ रूलर्स ने खुद फैसिलिटीज दी ट्रेडर्स को ताकि वो उधर सेटल हो जाए।
जैसे 9वीं सदी में तारेसपल्ली कहते हैं कि वेनाड के गवर्नर ने एक रीजन डोनेट किया था कोलम के एक चर्च को। केरला के रूलर्स ये मदद और देने लग गए जब केरला में वैदिक हिंदुइज्म और पॉपुलर होने लगा। अब इसका क्या लेना देना है मैं समझाता हूँ। वैदिक हिंदुइज्म में माना जाता था कि आप अपनी जात खो बैठेंगे अगर आप पानी से विदेश जाएंगे, पर केरला कई समय से ट्रेड पर निर्भर करता था, इस वजह से उनको ट्रेडर्स की जरूरत थी। जब मुस्लिम और क्रिश्चियन ट्रेडर्स केरला में आए तो लोकल रूलर्स उनकी मदद करने लग गए। जैसे कहा जाता है कि 9वीं सदी में कोल्लम में एक चर्च को लोकल रूलर ने प्रोटेक्शन दी थी और ये भी ऑर्डर दिया कि लोकल पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की मदद करे। प्रोफेसर कृष्णा अय्यर कहते हैं कि 12वीं सदी में तो कुछ राजाओं ने अपने मछुआरों को क्रिश्चियनिटी या इस्लाम अडॉप्ट करने की गुजारिश भी दी ताकि वो ट्रेड कर सके बाहर के देशों से। इस वजह से जब दूसरे रिलीजन के ट्रेडर्स केरला में आए उनका इतना विरोध नहीं किया गया। ऑथर मन्नू पिल्लई कहते हैं कि क्योंकि केरला कई समय से एक ट्रेडिंग सोसाइटी थी, कोई भी नई चीज उनके लिए अडॉप्ट करना इतना मुश्किल नहीं था। पर ये भी मत समझो कि केरला के किंग्स बहुत दयालु थे, इस वजह से वो डिफरेंट रिलीजन्स को अडॉप्ट कर रहे थे। हिस्टोरियन MGS नारायण कहते हैं कि ये रिलीजियस टॉलरेंस ट्रेड की मजबूरियों की वजह से थी और ये हम केरला के लोकल समाज में भी देख सकते थे, जहां मुस्लिम्स केरला को छोड़कर ट्रेड कर सकते थे पर उस चीज के लिए उनको जहाज की जरूरत थी और ये जहाज बनाते हिंदू कारपेंटर्स। दोनों हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच एक इंटरडिपेंडेंस थी, यही इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हमने गुजरात में भी देखी थी, इसके बारे में मैंने एक पिछले वीडियो में बात करी थी। जहां 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, पर दो शहरों पर नजर डालते हैं, अहमदाबाद और सूरत। 2002 में दोनों शहरों में 13% मुस्लिम्स थे, पर जहां अहमदाबाद में दंगे 24 दिनों से ज्यादा चले और 300 लोगों की मौत हुई, सूरत में कहानी अलग थी, 6 दिन के दंगे और 10 लोगों की मौत। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूरत को ओएसिस ऑफ पीस बुलाया, जलते रेगिस्तान के बीच ठंडे पानी का तालाब। तो सूरत में सिचुएशन इतनी वायलेंट क्यों नहीं हुई, इसके लिए जाते हैं कुछ सदियों पहले। यह है महमूद ऑफ गजनी। कहानी ये है कि 11वीं सदी में गजनी सोमनाथ शहर में आए, उन्होंने शहर को लूटा, लोकल्स को मारा और वापस वो अफगानिस्तान चले गए। उनको इतना ईविल बुलाया जाता है कि आमिर खान का गजनी कैरेक्टर महमूद ऑफ गजनी के बेसिस पर है। पर जानते कि महमूद के 200 साल बाद सोमनाथ में क्या हुआ, इस फोटो को देखिए। आप देख सकते हो कि ये मंदिरों की जमीन है और ये क्या है, कब्र। अब हिंदूज मोस्टली दफनाते नहीं है मरे हुए लोगों को, तो मंदिर की जमीन में कब्र क्या कर रहे हैं। ये कब्र है मुस्लिम ट्रेडर्स के। सोमनाथ के टेंपल अथॉरिटी ने एक्चुअली अपनी जमीन एक मुस्लिम रूलर को दी थी जो पास वाले गाँव में था। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि वो मुस्लिम रूलर सोमनाथ के लिए और पैसा ला सकता है अपने ट्रेड्स के जरिए। और ये इंटरडिपेंडेंस दो कम्युनिटीज के बीच एक की कारण है जिसकी वजह से सूरत में 2002 दंगों के दौरान इतनी जाने नहीं गई। इसको स्टडी किया था स्टैनफोर्ड के पॉलिटिकल इकोनॉमी प्रोफेसर सौमित्र झा ने। उन्होंने 1850 और 1944 के बीच कई कम्युनल राइट्स को स्टडी किया। वाई डॉट्स वो एरियाज हैं जहाँ एक भी दंगे नहीं हुए, और आप देख सकते हो कि इन सभी जगहों में एक चीज कॉमन है कि ये ट्रेडिंग हब्स हैं हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए। और सबसे जरूरी है कि हिंदूज और मुस्लिम्स ऐसी चीजों पर काम करते थे जो अलग थी। वो कहते कि इन चीजों को कॉम्प्लीमेंट्री और स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, इमेजिन करिए कि अगर एक मुस्लिम लेफ्ट शू बनाना जानता है और हिंदू एक राइट शू बनाना जानता है, दोनों ये नहीं सीख सकते कि दूसरा शू कैसे बनता है, तो इस टास्क को स्पेशलाइज कहा जाएगा क्योंकि एक लेफ्ट शू बस मुस्लिम बना सकता है, हिंदू नहीं। और कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाएगा क्योंकि एक जूता बेचने के लिए आपको दोनों लेफ्ट और राइट चाहिए, तो दोनों की मदद जरूरी है। और सुमित्र झा कहते हैं कि इंडिया के ट्रेडिंग हब्स में ऐसी चीजें हो रही थी, हिंदूज और मुस्लिम्स कॉम्प्लीमेंट्री और स्पेशलाइज चीजें कर रहे थे। सुमित्र झा ने पोरबंदर शहर में जब लोगों से पूछा कि उधर इतना वायलेंस क्यों नहीं हुआ 2002 के दंगों के बीच, तो एक हिंदू रिस्पोंडेंट ने कहा कि कई लोगों ने कोशिश तो करी थी, जैसे कई कम्युनिटी मेंबर्स को उधर चूड़ियां भेजी गई थी ये दिखाने के लिए कि वो मुस्लिम्स को मार नहीं पाए, पर कम्युनिटी में कोई भी इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस वायलेंस चाहता नहीं था। और 7वीं सदी के बीच पोरबंदर, सूरत, मैंगलोर और कोचिन जैसे शहरों के बीच एक चीज कॉमन थी कि ये सभी पोर्ट्स थे और इधर मुस्लिम्स ट्रेडर्स थे। अब मुस्लिम्स हज जाते थे अपने धर्म के लिए, पर उस समय हज दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मार्केट भी होती थी, तो वो मुस्लिम जो हज जा रहे होते थे वो सोचते थे कि क्यों ना हम उधर कुछ चीजें ले जाएं और ट्रेडिंग करें उनकी मक्का में। तो जहां मुस्लिम्स इन चीजों को हज लेके जाते थे, हिंदूज इन चीजों को बनाते थे। और याद रहे कि उस समय हिंदूज मानते थे कि अगर वो अपना देश छोड़ के जाएंगे तो अपनी कास्ट खो बैठेंगे,
इसी वजह से जब अंग्रेज हिंदूज को काला पानी में जेल भेजते थे उनके लिए वो डबल पनिशमेंट होती थी। इसीलिए ये चीजें कॉम्प्लीमेंट्री थी क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी और स्पेशलाइज थी, क्योंकि मुस्लिम्स ना इन चीजों को बना पाते और ना हिंदूज इन चीजों को लेकर जाके ट्रेड कर सकते थे। ऐसी इंटीग्रेशन की वजह से केरला के कल्चर पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। जैसे ये कोड़ीकोड में एक मैन मेड फॉरेस्ट है जिसको बनाया गया एक आदमी ने, मोहम्मद कोया। कुछ लोग इस फॉरेस्ट को मिनी वेस्टर्न घाट्स बुलाते हैं, पर इंटरेस्टिंग चीज है कि जिस जमीन पर मोहम्मद कोया ने ये जंगल बनाया वो उनको विरासत में मिली अपने पिता से नहीं बल्कि अपनी माँ से। मोहम्मद कोया कम्युनिटी से है, एक ऐसी मुस्लिम कम्युनिटी कोड़ीकोड में जो मैट्रिलिनी प्रैक्टिस करती है। अब इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो पैट्रिलिनी प्रैक्टिस करता है, यानी कि विरासत आपको अपने पिताजी से मिलती है। तो इस कोया कम्युनिटी ने मैट्रिलिनी कहाँ से अडॉप्ट करी? ट्रेड से। जब कई मुस्लिम ट्रेडर्स केरला आए तो उन्होंने कई लोकल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करी, जैसे मैट्रिलिनी जो केरला के हिंदूज कई सालों से करते आ रहे हैं। ये प्रैक्टिसेस हम केरला के फेस्टिवल्स में भी देख सकते हैं। ये है सबरीमला मंदिर। हर साल 2 महीने की एक तीर्थ यात्रा होती है जिसको कहा जाता है मंडलम मकरविलकु फेस्टिवल, जहाँ तीर्थ यात्री दर्शन लेने आते हैं लॉर्ड अयप्पा का। और इधर एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन है, तीर्थ यात्री मंदिर में घुसने से पहले एक मस्जिद में जाते हैं जो करीब 40 किलोमीटर दूर है। बिफोर दे हेड टू द हिल श्राइन आर आस्क्ड टू कम हियर बाय अय्यप्पा स्वामी हिमसेल्फ एंड ग्रीट हिज फ्रेंड एंड हिज लेफ्टिनेंट वबार। ये तीर्थ यात्री मस्जिद के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, नारियल तोड़ते हैं और पैसा डोनेट करते हैं, जबकि इस मस्जिद के अंदर मुस्लिम्स नमाज पढ़ रहे होते हैं। ये तीर्थ यात्री बस एक मस्जिद नहीं जाते, वो एक चर्च भी जाते हैं, अर्थंकल सेंट एंड्रयूज बेसिलिका, सेंट सेबास्टियन के आगे मत्था टेक कर ये तीर्थ यात्री फिर चर्च के अंदर एक टैंक में अपने बदन को साफ करते हैं। तीर्थ यात्री ये करते हैं क्योंकि माना जाता है कि लॉर्ड अय्यप्पा के दो क्लोज फ्रेंड्स थे, एक मुस्लिम नौजवान और एक क्रिश्चियन प्रीस्ट। कहा जाता है कि लॉर्ड अय्यप्पा एक अडॉप्टेड बेटे थे एक पंडलम किंग के। जो ये मस्जिद है वो डेडिकेटेड है वव्वर को, जो अय्यप्पा के मुस्लिम दोस्त थे जिन्होंने अय्यप्पा की मदद करी थी राक्षस प्रिंसेस महिषी को मार के एरुमुली में। जब अपनी विजय के बाद लॉर्ड अय्यप्पा सबरीमला के लिए जा रहे थे वो वव्वर को बोलते हैं कि वो एरुमुली में ही रुक जाए, और उन्होंने अपने भक्तों को कहा कि जब वो उनसे सबरीमला में मिलने जाए उनको इस मस्जिद में जरूर जाना चाहिए। ऐसी ही कहानी इस चर्च के साथ है। Actually, that communal harmony is prevailing for a very long time in Erimeli. Erimeli is a role model for the entire country. और ऐसे festivals और customs common है केरला में। कई different communities एक दूसरे के festivals celebrate करती हैं। जैसे ये है परम कलियत्तम महोत्सवम, एक फेस्टिवल जहाँ थायम एक फोक डांस किया जाता है। और आप नोटिस करोगे कि ये डांस एक मंदिर में नहीं बल्कि एक मस्जिद के अंदर हो रहा है। यही चीजें आप आर्किटेक्चर में भी देख सकते हो। जैसे इस फोटो को देखिए, क्या ये एक मंदिर है? कुछ लोग बोलेंगे कि ये मंदिर है, कुछ लोग बोलेंगे ये चर्च है, पर एक्चुअली ये एक मस्जिद है। ये है उड़थिलपल्ली, जो एक मस्जिद है केरला के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में। इसको बनाया एक टिपिकल हिंदू मंदिर स्टाइल में है। डॉक्टर बाबू पॉल, जिन्होंने केरला की रिलीजियस हिस्ट्री पर रिसर्च करी है, वो कहते हैं कि केरला के चर्च, मस्जिद और मंदिर एक समान लगते हैं। इनफैक्ट एक कहानी कहती है कि जब पोर्चुगीज नेविगेटर वास्को डा गामा कैलीकट में आए 15th century में, वो बता नहीं पाए कि हिंदू मंदिर और क्रिश्चियन चर्चेस के बीच में अंतर क्या है। अंतर स्टार्ट हुआ 15th century के बाद जब पोर्चुगीज आए। इस चीज के लिए कई पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स भी जिम्मेदार हैं। केरला के कोटेयम से यह 104 साल की महिला है जिन्होंने पिछले साल केरला के स्टेट लिटरेसी मिशन टेस्ट में 100 में से 89 नंबर आए, इसके बावजूद कि वो कभी स्कूल नहीं गई। और वो इस बात में अकेली नहीं है, केरला की लिटरेसी रेट 94% है, जो हमारे देश में सबसे ज्यादा है। और लिटरेसी ही नहीं, 2015-16 के गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी केरला सबसे आगे है। केरला को इधर तक लाने के लिए 3 different agencies जिम्मेदार है। सबसे पहले श्रेय जाता है केरला की प्रिंसली स्टेट्स कोचिन और ट्रावनकोर को। कॉलोनियल टाइम्स में केरला 3 भागों में डिवाइडेड था, मालाबार जिसको अंग्रेज रूल कर रहे थे और ट्रावनकोर और कोचिन जिनको अंग्रेज इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे। अब क्योंकि अंग्रेजों का कॉन्ट्रैक्ट था इन दोनों प्रिंसली स्टेट्स के साथ उनकी फसल के लिए, इस वजह से इन दोनों प्रिंसली स्टेट्स को कई रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने पड़े थे। मोस्टली ये रिफॉर्म्स लैंड रिलेटेड थे, पर इनमें से कई हेल्थ और एजुकेशन रिलेटेड भी थे। जैसे ट्रावनकोर के महाराजा ने 1817 में ही फ्री प्राइमरी एजुकेशन इंप्लीमेंट कर दी। इस वेलफेयर एजेंडा को आगे बढ़ाया
केरला की कम्युनिस्ट पार्टी ने। 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दुनिया की पहली कम्युनिस्ट पार्टीज में से एक बनी जिसने डेमोक्रेटिक इलेक्शन जीते। इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने कई सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे स्टेट में इनइक्वालिटी कम करने की। जैसे प्रवीणा कोड़ौत, एक सोशियोलॉजिस्ट, कहती हैं कि कम्युनिस्ट ने पंचायत सिस्टम को मजबूत बनाया ताकि लोग पॉलिसी मेकिंग में हिस्सा ले सके। रिसर्च ने दिखाया कि 1960s तक तो ये रिफॉर्म्स इतने अच्छे थे कि केरला में बर्थ और डेथ रेट्स इतनी गिरी जितनी यूरोपियन देशों में गिर रही थी। इसके बाद तीसरा श्रेय जाता है क्रिश्चियन मिशनरीज को, जिन्होंने कई स्कूल सेटअप करे। कई मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस ने भी अपने स्कूल सेटअप करे। यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के एक हिस्टोरियन कहते हैं कि 60% प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स मुस्लिम और क्रिश्चियन स्कूल्स हैं और हायर एजुकेशन के 70% इंस्टीट्यूट्स मुस्लिम और क्रिश्चियन हैं। पर इन स्कूल्स का जो सिलेबस था वो नेशनल एजुकेशन काउंसिल डिसाइड करती। अब आप बोलोगे कि कई रिलीजियस स्कूल्स में तो एकदम बेकार पढ़ाई होती है, ना साइंस की बातें होती है, बस धर्म की बातें चलती रहती है। पर ऐसा केरला में नहीं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने दिखाया कि कैसे केरला और नॉर्थ इंडिया के मदरसों में बहुत फर्क है। जहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के कई मदरसे मॉडर्न करिकुलम को इम्प्लीमेंट नहीं करते, केरला में सिचुएशन अलग है। इन सभी चीजों की वजह से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है केरला में वो दूसरी स्टेट्स के कंपैरिजन से ज्यादा था। चंद्रन नायर, जो सीईओ है ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर टुमारो के, वो कहते कि सोशल ग्रुप्स के बीच तनाव तब बढ़ता है जब उनको बेसिक इकोनॉमिक और सोशल राइट्स नहीं दी जाती। और उनका कहना है कि क्योंकि केरला में डिफरेंट ग्रुप्स को इकोनॉमिक और सोशल राइट्स दी गई, उनके बीच में तनाव कम हो गया। इसी वजह से जब एक मस्जिद में पानी आ गया तो केरला के एक मंदिर ने मदद करी। In the flood hit South Indian state of Kerala opened its doors for Muslims to offer Eid prayers. जब एक लड़की की माँ मर गई तो उस लड़की की शादी केरला के एक मस्जिद ने करवाई। Not only did they give the bride 10 gold sovereigns and rupees 20 lakh, they opened the mosque doors to host the wedding. पर ये भी मत समझना कि केरला में कोई कम्युनल वायलेंस नहीं है। ये है प्रोफेसर टीजे जोसेफ। कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस प्रोफेसर को कहा कि आप कॉलेज ना ही आओ तो ही बेहतर है, क्योंकि कॉलेज के आसपास भीड़ जमा हो गई जिन्होंने इस प्रोफेसर के खिलाफ नारे चालू कर दिए थे, क्योंकि उन पर दोष डाला गया कि वो इस्लाम को इंसल्ट कर रहे थे। उनको कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया, जेल में डाला गया, उनकी वाइफ डिप्रेस हो गई और अंत में उनके हाथ काट दिए गए। ये कम्युनल वायलेंस कोई नई चीज भी नहीं है केरला में। 1921 में मोपला राइड्स हुई थी जहां माना जाता है करीब 10,000 जाने गए। 1971 में तलासरी में 4 दिन तक कम्युनल दंगे चले। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से जहां 500 से ज्यादा लोग मारे गए, 63 मस्जिद और 3 मंदिरों को अटैक किया गया, कई घरों को जलाया गया और दुकानों को लूटा गया। और रिसेंटली सिचुएशन और बदल रही है। 2017 की एक होम मिनिस्ट्री रिपोर्ट ने दिखाया कि उस साल कम्युनल वायलेंस के इंसिडेंट्स केरला में डबल हो गए। तो रिसेंटली केरला में कम्युनल तनाव क्यों बढ़ा है, ये ट्रेलर है मलयालम मूवी पथमारी का, जो एक नौजवान मलयाली की जर्नी के बारे में बात करता है जो केरला से गल्फ जाता है एक कार्गो वेसल में। अब 1960s में पर्शियन गल्फ में कई नए ऑयल वेल्स आए थे जहां सस्ते लेबर की जरूरत थी। केरला में कई लोगों ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और केरला के कई लोग गल्फ मूव कर गए जॉब्स की तलाश में, जिससे केरला का फायदा जरूर हुआ। 2015 तक केरला की 10% पॉपुलेशन 1,00,000 करोड़ रुपए भेज रही थी गल्फ से केरला। पर इसके साथ ही साथ दो प्रॉब्लम भी है। पहला, केरला में कई कंजर्वेटिव मस्जिद और मदरसा बनने लग गए। दूसरी समस्या आई कि जब गल्फ में इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं कर रही थी तो कई केरला के लोग वापस आने लगे, और ये वो लोग थे जिन्होंने कंजर्वेटिव इस्लाम अपना लिया था, जिसकी वजह से केरला में इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बढ़ी है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में इस्लामिक स्टेट के सबसे ज्यादा रिक्रूट्स केरला से आए थे। गल्फ की वजह से एक और समस्या स्टार्ट हुई है, वो है इनइक्वालिटी की। इन ग्राफ्स को देखिए, आप देख सकते हैं कि इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में रूरल और अर्बन एरियाज के बीच इनइक्वालिटी कितनी है, और दोनों चार्ट्स में केरला सबसे हाईएस्ट है। जहाँ पिछले 30 सालों के दौरान केरला में ग्रोथ तो बहुत हुई है, पर इसके साथ ही साथ इनइक्वालिटी भी बढ़ी है। 2015 की एक रिपोर्ट ने दिखाया कि मोस्ट केरला के परिवारों का कुछ फायदा नहीं होता उन रेमिटेंसेस से जो गल्फ से आते हैं। फायदा एक्चुअली केरला के कुछ हिस्सों का ही हुआ है। जैसे हम केरला के नॉर्थ मलाबार रीजन की बात करते हैं, जिसकी पॉपुलेशन में 40% मुस्लिम्स है। एक्टिविस्ट सुरेश भट्ट कहते हैं कि इस एरिया में मुस्लिम समाज नंबर्स में ही नहीं बल्कि इकोनॉमी में भी बहुत डोमिनेंट है। इसका मतलब है कि मुस्लिम की सिचुएशन हिंदू से बेहतर है, और वो कहते हैं कि इस वजह से तनाव बढ़ रहा है दोनों समाजों के बीच, जिससे कुछ हिंदू मुस्लिम हेट स्टार्ट कर रहे हैं। The tension between Hindu and Muslims underlined by the CPIM and Muslim League rivalry. इस वजह से आप न्यूज में ये भी पढ़ रहे होंगे
की मांगे करी जा रही है कि कुछ लोगों के नाम हटा दिया जाए इंडिया की फ्रीडम फाइटर लिस्ट में जो मलाबार रिबेलियन में शहीद हुए थे, क्योंकि ये शहीद मुस्लिम्स थे। एक साइड में वो लोग जो कहते हैं कि ये रिबेलियन अंग्रेजों और अपर कास्ट हिंदू जमींदारों के खिलाफ पेजेंट मूवमेंट थी जिसकी वजह से कई लैंड लॉज इंट्रोड्यूस करे गए केरला में, जबकि दूसरी ओर के लोग कहते हैं कि इस मूवमेंट ने अपर कास्ट हिंदुओं को टारगेट किया जिस वजह से इन लोगों को फ्रीडम फाइटर नहीं बुलाया जा सकता और ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन कम्युनल टेंशन को और बढ़ा देती है। कई एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इस चीज के लिए जिम्मेदार है, जैसे जब इंडिया ने 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी थी उसके बाद रबर के प्राइसेस कम हो गए। अब मोस्टली क्रिश्चियंस रबर जैसे प्लांटेशन क्रॉप्स को कल्टिवेट करते हैं। जब इन क्रॉप्स के दाम कम हुए सबसे बड़ा झटका क्रिश्चियन समाज को लगा। जर्नलिस्ट सुबिन डेनिस कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जब इकोनॉमिक कंडीशंस बुरी हो रही है वो सबसे अच्छा समय होता है उन लोगों के लिए जो किसी की बुरी इकोनॉमिक सिचुएशन का फायदा उठाते हैं दूसरी कम्युनिटीज को ब्लेम करके, जिसका उदाहरण हम रिसेंटली देख सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं फूड प्रोसेसिंग कंपनी का केरला में। इस कंपनी का नाम है अजमी फ्लावर मिल्स इंडिया और KKFM इंडिया रेडी टू कुक ब्रेकफास्ट बेचती है जिनके ओनर मुस्लिम है। जब इस बिशप ने नारकोटिक्स जिहाद की स्टेटमेंट करी एंड अ केरला बिशप्स कमेंट्स ऑन लव एंड नार्को जिहाद हैव ट्रिगर्ड अ मैसिव कंट्रोवर्सी इन द स्टेट, तब इस कंपनी के फेसबुक पेज पर कई हेट मैसेज आने लग गए और लोगों ने कहा कि वो इस कंपनी के प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर देंगे। इसके साथ ही साथ RSS का भी फुटप्रिंट बढ़ रहा है केरला में। केरला में लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। फ्रॉम पीसी जॉर्ज हु इज अ वेटरन केरला लेजिस्लेटर ही ट्रिगर्ड ऑफ अ कंट्रोवर्सी बाय ओपनली कॉलिंग फॉर द क्रिएशन ऑफ अ हिंदू राष्ट्र। जब एक केरला के मंदिर पर ग्रीन पेंट लगाया गया तो एक केरला की संघ परिवार ऑर्गेनाइजेशन ने कहा इस मंदिर पर कलंक लग गया है, जिसके बाद उस मंदिर पर वापस पेंट किया गया और फाइनली हमें देखने को मिली केरला स्टोरी। अब केरला के कई लोगों ने कहा है कि ये मूवी एक प्रोपेगेंडा है, पर जैसे फिल्म एग्जिबिटर्स यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन केरला के प्रेसिडेंट के विजय कुमार ने कहा कि ये मूवी परफॉर्म इसलिए कर रही है क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाती है। प्रोफेसर TJ जोसेफ पर अटैक के कई सालों बाद उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि जिस रिलीजियस हार्मनी की हम कई बार बात करते हैं हम ये भूल जाते हैं कि वो एक मकड़ी के जाल की तरह बहुत कमजोर है। वो शायद ये कहना चाहते हैं कि इस कम्युनल हार्मनी को हमें ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अब ये जरूर है कि केरला में कई सदियों की कम्युनल हार्मनी की हिस्ट्री है। अब ये हार्मनी एक मूवी से ना टूटे पर एक मूवी का इस हार्मनी पर एक बुरा असर पड़ सकता है। अब कई सदियों पहले की तरह मक्का में कोई बड़ी टेक्सटाइल मार्केट तो है नहीं जिससे केरला को इकोनॉमिक और कम्युनल हार्मनी मिले, पर वो मार्केट तो नहीं पर और कोई मार्केट तो केरला ढूंढ सकता है जिससे ये कम्युनल तनाव कम हो सके। इस वीडियो में घंटों की रिसर्च लगी, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री है और उसी से हमारे चैनल की ग्रोथ होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी जरूर देखना जहाँ हमने बात करी बादशाह औरंगजेब की, कि क्या वो एक अच्छे राजा थे या बुरे, तो इस वीडियो को जरूर देखना। तो अगर आपको इंडियन हिस्ट्री पसंद है आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा।